हेलो एंड नमस्कार 90.4 एफएम पर मैं हूं आपका अपना दोस्त अलबेला अमित और एक बार फिर से लेकर उपस्थित हूं मैं आपका फेवरेट शो जिसका नाम है मेरी आवाज ही पहचान है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे प्रोग्राम में बहुत ही अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आते हैं, लेकिन इस बार कुछ खास होने वाला है। वो खास क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे यंगेस्ट पार्टिसिपेंट इस बार हमारे शो पर आई है, उनका नाम है पारखी राणा। नित वंडा मैं यादां आले करां फरे यादां पल्ला यड के खुदा तो मंगा खैर तेरे दम दी तेरे बिना रांझे आवे हीर केड़े कम दी तेरे बिना रांझे आवे मैं ना किसे कम दी। चलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं पारखी राणा का। सो पारखी, आपका 90.4 एफएम पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भैया। पारखी बताइए, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो अभी? अभी मैं 8th क्लास में हूँ। और कौन से स्कूल में हो? गुरुकुल इंटरनेशनल स्मार्ट स्कूल सोलन। सो ये बताइए कि म्यूजिक का शौक कब से है आपको? एक्चुअली म्यूजिक से अटैचमेंट तो मेरा बचपन से ही था। हाँ। लेकिन 2011 में एक बार मेरे भाई को सारेगामा पा में जाना था। अच्छा। तो क्या हुआ कि मैंने भी उस टाइम जिद पकड़ ली कि मुझे भी जाना है। तो जब मैंने उधर ऑडिशन दिया कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मैं भी सिलेक्ट हो जाऊंगी, लेकिन फर्स्ट राउंड मैंने क्लियर कर लिया तो उस टाइम हमारे लिए एक बहुत अच्छा मोमेंट था। हमें पता भी नहीं था, इट वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड। तो उसके बाद से हमने सीखना शुरू किया आगे और म्यूजिक में सोचा कि थोड़ा अपने आप को और तैयार करें और आगे कॉम्पिटिशन्स में आगे बढ़ने की कोशिश करें। क्या उम्र थी उस वक्त तुम्हारी? उस टाइम मैं 8 साल की थी। अच्छा, तो कौन सा गाना आपने गाया था उस वक्त ऑडिशन में? वो एक्चुअली एक पंजाबी सॉन्ग था और उस टाइम मुझे सिर्फ एक ही गाना आता था। तो अच्छा। वो था सोनिया जी तेरे नाल। चलो थोड़ा सा गुनगुनाओ जरा। सुनिए जी तेरे नाल, सुनिए जी तेरे नाल दगा मैं कमावां, नीरब करे मैं मर जावां, हाय नीला करे मैं मर जावां, सुनिए जी तेरे नाल लग दे मैं मर जावा, हाय नी रब दिसू मैं मर जावा, रूप तेरा देख के जे चन शर्मोदा, रब भी बना के तनु आपे पच तो रब करे मैं मर जावा, हाय नी अल्लाह करे मैं मर जावा। बहुत अच्छा गाया आपने पारखी। दोस्तों यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बातचीत करेंगे पारखी से आगे भी। सुनते रहिए
मेरी आवाज ही पहचान है विद अलबेला अमित। सुन रहे हैं। वेलकम बैक 90.4 एफएम पर, मैं हूं आपका अपना दोस्त अलबेला अमित, और एक बार फिर से लेकर आ गया हूं ब्रेक के बाद मेरी आवाज ही पहचान है। और मेरी आवाज ही पहचान है में आज हमारी गेस्ट हैं पारखी राणा। तो चलिए बात करते हैं पारखी राणा से आगे। पारखी, अब ये बताइए कि आपने वो ऑडिशन दिया जी टीवी सारेगामापा, उस ऑडिशन के बाद कैसा रहा एक्सपीरियंस? जी देखिए, सबसे पहला राउंड तो हमारा चंडीगढ़ में था। तो चंडीगढ़ में एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उधर हमारे साथ एक और कंटेस्टेंट भी थी जिन्हें हम बहुत अच्छे से जानते थे, संजना भोला। और वो हमारे साथ एक पहले भी एक कंपटीशन में रह चुकी थी मेरे भाई के साथ। तो जब हम सभी ने उधर ऑडिशन दिया था तो सारे सिलेक्ट हो गए थे। चंडीगढ़ में दो राउंड हुए थे। तो क्या हुआ था कि पहले राउंड में मैं सिलेक्ट हो गई थी। दूसरे राउंड में जब मैंने गाना गाया तो मेरे जो ऑडिशन ले रहे थे उन्होंने बोला कि आप अपने भाई के साथ भी एक गाना गाइए। तो मैंने यही वाला गाना अपने भाई के साथ गाया तो उन्हें पसंद आया, वो बहुत तारीफ कर रहे थे। लेकिन जब रिजल्ट्स आए तो मेरा भाई सिलेक्ट था और मैं सिलेक्ट नहीं थी। मुझे दुख हुआ पर उतना भी दुख नहीं हुआ क्योंकि मैं कोई तैयारी तो करती नहीं थी, बस शौक था। तो दिल्ली जब जाने की जब बारी थी तो मुझे भी अपने साथ ले गए ये लोग जब ऑडिशन था। तो जब मेरा भाई गाना गा रहा था तो उन्होंने बोला कि आपकी बहन नहीं आई आज। तो मम्मी ने बोला कि वो शायद डिसलेक्ट हो गई है, उस टाइम आप लोगों ने उसे एलिमिनेट कर दिया था। तो उन लोगों ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं था, हमने उसे एलिमिनेट नहीं किया था, वो शायद गलत फहमी हो गई होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो जब मैं अंदर आई उन्होंने दोबारा यही गाना हमसे ड्यूएट में सुना और उन्होंने दोबारा से मुझे सिलेक्ट कर लिया। हम दोनों फिर दोबारा से सिलेक्ट हो गए। तो दिल्ली में भी हमने राउंड क्लियर कर लिया था। उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने हमें बताया था कि अगला राउंड मुंबई में होगा, गोरेगांव ईस्ट में, और हम लोगों को उधर पहुंचना है। अप्रैल में था शायद वो ऑडिशन। तो हम लोग मुंबई पहुंचे, गोरेगांव ईस्ट पहुंचे। उन्होंने हमारे बंगलोज दिए और उधर हम लोग ने सबने अपनी ऑडिशंस की तैयारी शुरू कर दी। तो अगले दिन जब हमारा ऑडिशन था तो हम लोग स्टूडियो में पहुंचे जहाँ पे ऑडिशन था, एक बहुत बड़ा स्टूडियो था। तो हम लोगों ने जब गाना गाया तो उन लोगों ने हमारे गाने को बहुत पसंद किया। तो उस टाइम भी मैं एकदम सरप्राइज थी कि इधर भी हम लोग सिलेक्ट हो गए, हमें मेडल डल गए थे। और इट वॉज अ वेरी मतलब सरप्राइजिंग मोमेंट फॉर अस। और हम लोग उस टाइम बहुत खुश थे, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन जब हम लोग अगले राउंड में गए, वो था जजेस राउंड, उसमें हमारे को तीन गाने गाने थे हर एक जज की चॉइस के। तो उस राउंड में अनफॉर्चुनेटली मैं सिलेक्ट नहीं हो पाई थी क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी स्केल की, उसमें बहुत टेक्निकल राउंड था। लेकिन मेरे भाई के साथ क्या हुआ कि उस टाइम उधर उन्होंने स्प्रे छिड़क दी थी तो एकदम से वो उसके गले में घुस गई एंड ही वॉज नॉट एबल टू सिंग। तो उसकी वजह से वो भी नहीं सिलेक्ट हो पाया। वो दिन एक अच्छा दिन नहीं था पर इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी क्योंकि मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, मैंने उस टाइम सीखा भी नहीं था और मैं इतनी आगे चली गई थी, मैं टीवी पे आ गई थी, जी टीवी जैसे चैनल पे। सो इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। क्या बात है। सो अभी कौन सा गाना सुनाएंगे आप? मसक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली, ए मसक्कली मज मज गली उड़ मटक्कली मटक्कली, जरा पंख चटक गई धूल अटक उड़ लचक मचक के दूर भटक, उड़ डगर डगर कस्बे कूचे नुक्कड़ मस्ती में ये इटली से मुड़, अदा से जुड़ कर ले पूरी दिल की तमन्ना, हवा से जुड़ अदा से मुड़ ए फुर्रा फुर्रा वना हीरो वना रे, मसक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली, ए मजा गली मजा मजा गली उड़ मटक्कली मटक्कली, ओ घर तेरा सोलानी बादल की कॉलोनी, दिखला दे ठेंगा उन सबको जो उड़ना ना जाने जाने जाने, उड़ियो ना मुड़ियो कर मन महानी मनमानी मनमानी, डरियो ना मुड़ियो करना दानी
बस ठान ले तू मान ले बहसन नन 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 हवा बस ठान ले तू मान ले बहसन नन 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 हवा 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 ए मजकली उड़ मटकली ए मजकली मजगली उड़ मटकली जरा पंख झटक गई धूल अटक उड़ लचक मचक के दूर भटक उड़ डगर डगर कस्बे कूचे नुक्कड़ मस्ती में ये इटली से मुड़ अदा से जुड़ कर ले पूरी दिल की तमन्ना हवा से जुड़ अदा से मुड़ आ फुर्रा फुर्रा वना हीरो वना रे मजकली उड़ मटकली ए मजकली मजगली उड़ मटकली ए रे 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 ओ ए रे 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 ओ सुन रहे हैं वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं मेरी आवाज ही पहचान है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अलबेला अमित और आज हमारी गेस्ट हैं पारखी राणा। वेल पारखी, अब मैं पूछता हूं आपसे कि ऑडिशन दिया आपने जी टीवी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, उसके बाद आप आए वापस सोलन। जी, जब हम वापस आए सोलन तो हमारी एक आइडेंटिटी एक अपनी पहचान बन चुकी थी। और हम लोगों ने सीखना भी शुरू कर दिया था। बहुत सारे प्रोग्राम्स में बुलाया गया था हमें, जैसे कि हिमाचल उत्सव, रफ़ी नाइट, और बहुत सारे स्टेज शोज भी दिए थे हमने अलग अलग जगहों पे। और लोगों ने, हम दोनों भाई बहन साथ ही गाते थे, उसके बाद से हमारी एक ड्यूएट के नाम से क्या कहते हैं उसे आइडेंटिटी बन चुकी थी और हम लोग अब साथ ही गाते थे। तो उन लोगों ने जोड़ी भी बहुत पसंद की और हम लोगों ने बहुत से गाने गाए थे। एक ये गाना था सोनिया जी तेरे नाल, और जैसे कि तू माने या ना माने दिलदारा, बहुत सारे गाने गाए थे और वो बहुत पसंद किए गए थे। और उसके बाद हम लोगों को एक बहुत अच्छी पहचान मिली और लोगों ने मतलब ऐसा लगने लगा कि हम अब म्यूजिक में कुछ हैं। बात करते हैं हिमाचल उत्सव की। हिमाचल उत्सव के कॉन्सर्ट में आपको मैंने देखा, आप दोनों उस वक्त बहुत छोटे छोटे थे, और मैंने वो लाइव प्रोग्राम आपका देखा था, उसमें आपने गाना गाया था तू माने या ना माने दिलदारा। तो उस मतलब उस गाने को सुन के मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुआ था और सीरियसली बहुत इम्प्रेस्ड हुआ था, और मुझे लगा कि ये दोनों बच्चे बहुत होनहार हैं और ये बहुत आगे जाएंगे। एकदम दिल से दुआ निकली। तो वही उस लम्हे को याद करते हुए वही गीत सुनते हैं आपसे, तू माने या ना माने दिलदारा। तू माने या ना माने दिलदारा, साते तेनू रब मने आ, तू माने या ना माने दिलदारा, साते तेनू रब मने आ, दस होर केड़ा रब दा दवारा, होर केड़ा रब दा दवारा, साते तेनू रब मने आ, तू माने या ना माने दिलदारा, सौते तेनू रब मने आ। मैं तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तेरी चौखट मेरा मदीना, हो तुझ बिन जीना, हो तुझ बिन जीना, क्या जीना तुझ बिन जीना, तुझ बिन जीना, क्या जीना तुझ बिन जीना, तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तेरी चौखट मेरा मदीना, कहीं और ना, कहीं और ना, सजदा गवारा, सौते तेनू रब मने आ, तू माने या ना माने दिलदारा, सौते तेनू रब मने आ, दस होर केड़ा रब दा दवारा, होर केड़ा रब दा दवारा, सौते तेनू रब मने आ, तू माने
माने आना माने दिलदारा सौते तेन रब मने पारखी बहुत अच्छा गाया। और दोस्तों यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए मेरी आवाज ही पहचान है विद अल्बेला आमित और आज हमारी गेस्ट हैं पारखी राणा। सुन रहे हैं। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं मेरी आवाज ही पहचान है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अल्बेला आमित और आज हमारे साथ हमारी गेस्ट हैं पारखी राणा। सो पारखी, अब हम बात करते हैं आगे। और आपने सीखना शुरू किया म्यूजिक, और म्यूजिक कहाँ पर सीखा आपने ये बताइए। मैंने म्यूजिक श्री केशव नारायण जी से सीखा है। वो मेरे गुरु हैं और उन्होंने मुझे उंगली पकड़ के इस संगीत की दुनिया में लाया है। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं आज कुछ भी नहीं होती संगीत की दुनिया में। वो उन्होंने मुझे सिखाया और मुझे लगभग 3 या 4 साल हो गए हैं संगीत सीखते हुए। और मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा उन्हीं से सीखती रहूँ। और ये कहाँ पर सिखाते हैं? ये हमारे घर के पास ही सिखाते हैं। वैसे तो ये होम ट्यूशन लेते हैं बट हम लोग कभी कभी संडेज को इनके घर भी जाते हैं। और मुझे लगता है कि आज तक मैं ऐसे किसी गुरु के पास नहीं गई हूँ, क्योंकि इन लोगों ये इतनी मेहनत करवाते हैं कि अपने आप ही लगता है कि हाँ यार, इतनी मेहनत करने के बाद इंसान नाकामयाब नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। अगर मान लो उनको कोई डेडिकेशन देनी हो अपने गाने के जरिए, तो वो कौन सा गाना होगा? वो मेरे लिए सूफी जॉनर है। एक्चुअली मैं सूफी में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ और मेरी वॉइस को भी सूट करता है। सो आई फील कि सूफी एक ऐसा गाना है जिससे हम अपनी फीलिंग्स और डेडिकेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या बात है। तो प्लीज कोई गाना। मुख तो बगैर किते नजर ना
तेरे बिना रांझे आवे हीर केड़े कम दी तेरे बिना रांझे आवे मैं ना किसे कम दी नित वंडा मैं नया जान आले करा फरे यादा नित वंडा मैं नया जान आले करा फरे यादा पल्ला यड के खुदा तो मंगा खैर तेरे दम दी तेरे बिना रांझे आवे मैं ना किसे कम दी तेरे बिना रांझे आवे हीर केड़े कम दी। सुन रहे हैं वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज ही पहचान है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अलबेला अमित और आज मेरे साथ मौजूद हैं द वेरी टैलेंटेड पारखी राणा। पारखी से आगे बात करते हैं। पारखी पूछते हैं आपसे, आपके फेवरेट सिंगर कौन है? मेरे फेवरेट सिंगर नुसरत फतेह अली खान साहब है और सुनिधि चौहान है। और मैं उनके गाने गाने की कोशिश करती हूँ। वैसे तो मुझे उतना खास कोई गाना आता नहीं है, पर उनके गाने सुनने में मुझे जिसे कहते हैं ना एक रूह की शांति मिलती है। अच्छा, और आपके दोस्तों के बारे में बताइए कि जी थोड़ा। मेरे एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड्स तो बहुत सारे हैं, टोटल 5 हैं, जिनका नाम है, एक का नाम प्रियांशी राणा है, एक का नाम वर्तिका है, और राशि और अर्चना और पायल। और ये मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो हर चीज में मेरा साथ देते हैं एक्चुअली, और हर मुसीबत में साथ देते हैं। जब मैं कुछ गलत करने वाली हूँ तो मुझे बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो दे आर एक्चुअली माय बेस्ट फ्रेंड्स। और म्यूजिक से रिलेटेड कोई कौन सा फ्रेंड है आपका? म्यूजिक से रिलेटेड तो सबसे बेस्ट फ्रेंड मेरा भाई है। वही मैं सोच रहा था, वही आने वाला है नाम उसका। जी अच्छा, युगम राणा के बारे में कुछ बताइए। मेरा भाई सबसे पहला गुरु है मेरा। वो मुझे हर चीज के बारे में बताता है। वैसे तो गुरुजी मेरे हैं, पर जब हम ऑफ क्लास होते हैं तो वो मुझे बताता है, इतनी प्रैक्टिस करवाता है, मतलब उसे हर चीज परफेक्ट ही होती है जब वो सिखाता है। अगर इतनी सी भी गलती हो जाए, भले ही वो डांटता है, मगर उसकी वजह से वो गाना एकदम परफेक्ट हो जाता है जिसे कहते हैं ना। और उसने बहुत सारे प्रोग्राम्स जीते हैं और वो मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। मैं चाहती हूँ कि वो बहुत आगे बढ़े म्यूजिक की दुनिया में और मुझे भी वैसे ही सिखाया जैसे वो अभी सिखाता है। क्या बात है। आपने कौन कौन से सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया अभी तक? मैंने बहुत सारे सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया है, जैसे की वॉइस ऑफ हिमालयास, हिमाचल उत्सव, हिमाचल आइडल और सारे गामा पा, इंडियन आइडल, और वॉइस ऑफ पंजाब में हम मेगा ऑडिशन तक गए थे, शास्त्रीय गायन, और इसके अलावा दिव्य हिमाचल, और ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में हमने पार्ट लिया है। कला संगम जो एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन है, उस उधर भी हमने पार्ट लिया है। अचीवमेंट्स थोड़ा अगर अचीवमेंट्स, शास्त्रीय गायन में भी मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था, वॉइस ऑफ हिमालयाज में मुझे थर्ड प्राइज मिला था, कला संगम में मैं फाइनल राउंड तक गई थी। अच्छा। और हिमाचल आइडल है, उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। दिव्य हिमाचल में मैं सेमीफिनाले तक गई थी। वॉइस ऑफ पंजाब में हम मेगा ऑडिशन तक गए थे और हमें सिल्वर मेडल पड़े थे, और सारेगामापा में भी हमें सिल्वर मेडल मिले थे। इंडियन आइडल में हम फोर्थ राउंड तक गए थे। ओके। और बाकी सारे बस इतने ही कॉम्पिटिशन। और अब अगर बात करें स्टेज परफॉर्मेंसेस की, स्टेज परफॉर्मेंस आप जैसे देते रहते होंगे, बहुत सारी स्टेज परफॉर्मेंस दी हैं, आपकी कोई बेस्ट यादगार में से कौन सी वाली स्टेज परफॉर्मेंस है? स्टेज परफॉर्मेंस तो मेरे भाई के साथ ही है सबसे बेस्ट, और वो थी हिमाचल में ही नाहन सिरमौर में। उधर हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, शायद वो 2 या 2.5 घंटे का प्रोग्राम था, और उधर हमने गाना गाए थे, ड्यूएट गाने गाए थे, और वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस गई थी हमारी। ओके, उनमें से कोई एक अगर थोड़ा सा गुनगुनाना चाहे आप। हे डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो, रुको ना मुझको प्यार करने दो, बेकैफ है बाहर बेचैन जाने जान, बुलबुलों को अभी इंतजार करने दो, डार्लिंग आंखों से
डार्लिंग देखो जरा शर्माने का क्या कायदा डार्लिंग हैरत भी है हैरत भी है क्या फायदा डार्लिंग देखो जरा शर्माने का क्या कायदा डार्लिंग हैरत भी है गैरत भी है क्या फायदा हो डार्लिंग बुलबुलों को अभी इंतजार करने दो है डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो रोको ना टोको ना मुझको प्यार करने दो बेकैफ है बाहर बेचैन जाने जान बुलबुलों को अभी इंतजार करने दो डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो डार्लिंग पारखी अब बताइए कि आपका फेवरेट जॉनर कौन सा है मेरे फेवरेट तो वैसे सूफी है पर उसके अलावा भी मैं आशा जी के सॉन्ग्स गाना पसंद करती हूँ वेस्टर्न सॉन्ग्स जैसे कि थोड़े एंटरटेनिंग सॉन्ग्स और आइटम सॉन्ग्स जिनको गाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और इसके अलावा मैं लता जी के गानों को भी अपना मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहूँगी ताकि आगे जाके जब मैं प्रोग्राम्स में जाऊँ तो मैं सिर्फ एक ही जॉनर में गाने वाली सिंगर ना कहलाई जाऊँ बल्कि वर्सेटाइल सिंगर कहलाई जाऊँ क्योंकि आजकल ऐसे ही सिंगर्स की मांग है तो मैं ऐसा सिंगर बनना चाहती हूँ और वैसे फेवरेट जॉनर मेरा इसके अलावा वेस्टर्न है वेस्टर्न ओके अभी आगे के फ्यूचर प्लान्स बताइए फ्यूचर प्लान्स फ्यूचर में तो वैसे मेरा एम तो मेनली एस्ट्रोनॉट बनना है बट एज अ हॉबी मैं सिंगिंग को भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देती हूँ और मैं अपने साथ ब साथ सिंगिंग को भी जारी रखना चाहती हूँ क्योंकि अगर भगवान ने मुझे ये टैलेंट दिया है तो मैं इसे खोना नहीं चाहूँगी अच्छा मतलब आप चांद पे जाके अपना मतलब गाने गुनगुनाना चाहते हैं मेरे को लगता है कुछ अच्छा चांद पे जाके अगर शूटिंग होगी तो फिर कैसा रहेगा मतलब आपके गाने बन रहे हैं क्यों कैसा रहा मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मेरे दो दो मतलब एक कहते हैं ना कि एक तीर से दो निशाने एक गाना याद आ गया मुझे इस पे इस बात पे वो एक गाना है ना पुराना आओ तुम्हें चांद पे ले जाए अच्छा मान लीजिए फर्ज करिए आप चांद पर हो इस वक्त जी जी तो कौन सा गाना आप गाओगे इस टाइम में तो मैं वही गाना चाहूंगी आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं क्या बात है चलिए सुनाइए फिर इसको जी थोड़ा सा गुनगुनाना चाहूंगी हाँ आओ हुजूर तुम सितारों में ले चलूं दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं दिल झूम जाए होगा जिंदगी का सफर हम सब
वेरी नाइस, बहुत अच्छे पारखी, बहुत अच्छा गाया आपने। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी आवाज़ी पहचान है का प्रोग्राम, इसमें आपको आके कैसा लगा और आपके विचार बताइए इस प्रोग्राम के बारे में। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं आप लोगों का थैंक्स करना चाहूँगी टू हैव मी ऑन द शो, और मुझे इस शो में आके एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें सीखी, और दिस इज़ एन अमेजिंग शो, और जहाँ से बहुत सारे कलाकारों को एक मौका मिलता है अपनी कला का प्रदर्शन करने का। और मैं चाहूँगी कि मैं इधर बार बार आती रहूँ और इसी तरह अपनी टैलेंट जी सबके सामने दिखा जी। और हम भी प्रॉमिस करते हैं, हम आपको बार बार बुलाते रहेंगे। मैम आप आए हैं तो मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा, तो मैम आपका 90.4 एफएम पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अमित जी, थैंक यू सो मच। तो जैसे कि आप इतने टैलेंटेड बच्चों के माता पिता हैं, पहले तो ये बहुत बड़ी बात है, और कुछ कहना चाहेंगे इन बच्चों के टैलेंट के बारे में? थैंक यू जी, ये सारी गॉड ग्रेस है, ईश्वर करे ऐसे बच्चे सबको मिले, और मेहनत भी बच्चे बहुत करते हैं, इनकी मेहनत के पीछे इनके गुरुजी श्री केशव नारायण जी का बहुत बड़ा हाथ है, और स्पेशली इनके फादर का, जो कई बार इनके लिए अपना काम छोड़ के बिल्कुल जो इनके पीछे लगे रहते हैं और बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं कि डू दिस एंड दैट। कई बार मैं उनको बोलती भी हूँ कि नहीं सिंगिंग जो है थोड़ा सा पढ़ाई को छोड़ के हम अभी नहीं करें तो ठीक है, लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं अभी से बच्चों का बेस बनेगा तो आगे जाके तभी वो अच्छा कर पाएंगे, और कई बार उनका काम डिस्टर्ब हुआ है लेकिन फिर भी उन्होंने इनका साथ नहीं छोड़ा। हमेशा मैं स्पेशली कहना चाहूंगी कि अगर हमारे बच्चे आज यहाँ हैं तो मेरे हस्बैंड का बड़ा हाथ है। जी, और मैम आपने जब से शुरू से ही सपोर्ट मतलब सिंगिंग में दिया है, और स्ट्रगल सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होता, माँ बाप का ज्यादा स्ट्रगल होता है जी, हमारी तो ड्यूटी है जी। क्योंकि आजकल कंपटीशन की दुनिया में जी, कंपटीशन में आप कहाँ अपने आप को किस प्लेस पे रख पाते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू और आपकी मेहनत, और सबसे बड़ी बात है कि माँ सरस्वती की कृपा। मैं सोचती हूँ हमारे बच्चों पे, विशेष तौर से बेटे ने जब से गाना शुरू किया था, ही वाज ओनली 2.5 years old, तो तब से माँ सरस्वती की ऐसी कृपा रही है कि उसको आगे 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 मौका मिला है। थोड़ा सा वो कई बार आजकल उसका वोकल कोड चेंज हो रहा है, थोड़ा सा अभी नहीं इतना कुछ कर पा रहा है, लेकिन मैं आने वाले टाइम में इन दोनों बच्चों को डुएट के रूप में देखना चाहूंगी। हमारा बहुत बड़ा सपना है कि हमारे बच्चे कभी ऐसे बड़े स्टेज पे हों, ऐसा नाम और शोहरत के साथ हो कि हम जो है हमारा जीवन सफल हो जाए, हमारा यही सपना है। मैं हमेशा ऐसे चाहूंगी अमित जी की मेरे बच्चों को हमेशा लोग ब्लेस करते रहें, और मैं आपका भी स्पेशली बहुत थैंक्स करती हूँ कि मेरे दोनों बच्चों को यहाँ पे आने का मौका मिला, और फ्यूचर में भी मैं यही चाहूंगी कि मेरे बच्चे अपने सोलन का नाम, हिमाचल का नाम, और बेसिकली सिरमौर से हम लोग हैं, नाम रोशन करते रहे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो पारखी अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा और ये कहना चाहूंगा कि आप 90.4 एफएम पर आए, अपने म्यूजिक से जुड़े एक्सपीरियंसेस बताए, अपने लाइफ से जुड़े एक्सपीरियंसेस बताए, और साथ में इतने मधुर मधुर, इतने बहुत ही खूबसूरत गीत सुनाए आपने, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और फिलहाल अब जाते जाते कोई एक गाना आप सुनाइएगा। जिंदगी तमाशा बनी, दुनिया दा सा बनी, कितने भी ना प्यार मिले आए, जिंदगी तमाशा बनी, दुनिया दा सा बनी, वैरी जमाना होया, कितना करा
शोभनी दुनिया दा सावनी। दोस्तों ये थी हमारे साथ आज पारखी राणा। अगले हफ्ते लेकर आऊंगा मैं ऐसी ही सुरीली आवाज को। तब तक के लिए गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। अलविदा।